दोस्तों, मैं हूँ सुषमा और आज हम बात करेंगे खाने वाले तिल के फायदों के बारे में। सर्दियों के मौसम में तिल खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर एक्टिव बना रहता है। इसमें कई तरह के प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। खूबसूरती को बनाए रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन तरह के होते हैं, सफेद, भूरे और काले। भूरे तिल का इस्तेमाल कम किया जाता है। तिल का तेल भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो चलिए जानते हैं इसके कुछ अनोखे फायदों के बारे में। तिल का सेवन मेंटल वीकनेसेस को कम करता है, जिससे आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। रोजाना थोड़ी मात्रा में तिल का सेवन करके आप मेंटल प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तिल का इस्तेमाल हमारे बालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में तिल खाने से या फिर तिल के तेल को सर में लगाने से बाल समय से पहले सफेद होना और झड़ना बंद हो जाते हैं। तिल को दूध में भिगोकर उसके पेस्ट को चेहरे पर लगाने से चेहरे पर नेचुरल शाइन आती है और रंग भी निकलता है। इसके अलावा तिल के तेल से मालिश करने पर स्किन ग्लोइंग हो जाती है। तिल को पीसकर खाने से कब्ज की समस्या नहीं होती। साथ ही काले तिल को चबाकर खाने के बाद ठंडा पानी पीने से बवासीर में आराम मिलता है। इससे पुराना बवासीर भी ठीक हो जाता है। स्किन के जल जाने पर तिल को पीसकर घी और कपूर के साथ मिलाकर लगाने से आराम मिलता है और साथ ही घाव जल्दी भर जाता है। सूखी खांसी होने पर तिल का मिश्री और पानी के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा तिल के तेल को लहसुन के साथ गुनगुना गर्म करके कान में डालने से कान के दर्द में आराम मिलता है। सर्दियों में तिल का सेवन करने से बॉडी को एनर्जी मिलती है और साथ ही शरीर में दर्द हो तो इसके तेल के मालिश से आराम मिलता है। तिल दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सुबह शाम ब्रश करने के बाद तिल को चबाने से दांत मजबूत बनते हैं। साथ ही ये कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। अगर पैरों की एड़ियां पट गई हो तो तिल के तेल को गरम करके उसमें सेंधा नमक और मोम मिलाकर एड़ियों पे लगा ले। ऐसा करने से एड़ियां जल्दी ठीक होने के साथ साथ सॉफ्ट भी हो जाएगी। मुंह में छाले होने पर तिल के तेल में सेंधा नमक मिलाकर छालों पर लगाने से छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इन सर्दियों में आप तिल को अपने आहार में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये हर तरह से आपको फायदा ही देगा। इसी के साथ तिल के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू। किसी भी जगह पर और किसी भी मौसम में उगने वाला और कम पानी में पलने वाला ये पेड़ बहुत ही फायदेमंद होता है। गैस और जकड़न को दूर करने के कारण इसे अरंडी का नाम दिया गया है। खास तौर पर अरंडी के बीज, पत्ते और जड़ को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज से जो तेल निकलता है उसे अरंडी का तेल कहते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि कैस्ट्रोल ऑयल से बालों की समस्या दूर होती है, तो आइए जानते हैं कि इस तेल के उपयोग से हम अपनी सुंदरता को कैसे निखार सकते हैं।